नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य बनाने के लिए कदम उठाए हैं और उन कदमों से ये संकेत मिलते हैं, अभी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट मोबाइल पर सर्विसेज पर जो लाभ मिलता है वो जम्मू कश्मीर में भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ हालात ऐसे हैं और इस बात के पुख्ता प्रमाण अनेकों मिल चुके हैं कि अगर यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज खोला गया उसका दुरुपयोग होगा और उस दुरुपयोग के कारण जम्मू में फिर एक बार अफरा तफरी का माहौल होगा जैसे पहले हुआ था। इसीलिए लगता नहीं है कि जल्दी यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज को खोला जाएगा। स्वयं इस बात को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में तो मोबाइल सर्विसेज 16-17 साल बाद आई थी। पहले देश के यानी कि पठानकोट से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी सर्विसेज हो चुकी थी, यहाँ 16-17 साल के बाद आई थी। ये बात प्रमाण करती है कि अभी स्थिति विस्फोटक मानी जा रही है, क्योंकि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अभी बहुत से और कदम उठाए जाने बाकी है, जिसके बारे में ये चैनल आपको लगातार अवगत करवाता रहेगा। इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि अगर अब कोई मोबाइल कहीं जा खुलता है, दुरुपयोग करता है, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। मगर आम जनता जो मांग कर रही थी कि अभी मोबाइल सर्विसेज मिले, अब जिसकी उम्मीद काफी कम नजर आती है। नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपी JNK's biggest मोबाइल होलसेल कम रिटेल आउटलेट। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज? डू यू लूज योर कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ योर बैलनेस? डू यू वॉन्ट टू रिमूव योर टैटू, अनवॉन्टेड हेयर और ब्लैक मोल्स विदाउट एनी सर्जरी? सो हेयर इज शाइन एंड ग्लो। कम एंड मीट डॉक्टर अमित वैद, लेजर एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन।